नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल डीजी हिमाचल पर। आज की अपडेट में बात होगी कर्मचारी महासंघ की सीएम जयराम ठाकुर के साथ हुई बैठक के बारे में, जिसमें मुद्दा था नए वेतनमान संशोधन में सामने आ रही विसंगतियों को दूर करना। वेतनमान की विसंगतियों पर सीएम ने दिया आश्वासन, फैसला जल्द। पूरे मामले को आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पंजाब की तर्ज पर नए वेतनमान को लागू किया गया। नए वेतनमान के कारण राज्य सरकार पर अच्छा खासा आर्थिक बोझ पड़ गया है। बावजूद इसके सूबे के सरकारी कर्मचारी नए वेतनमान से थोड़ा नाखुश हैं। अब 2022 चुनावी साल है। चुनावी साल में कर्मचारियों की यह नाराजगी सरकार पर भारी न पड़ जाए, इसे लेकर प्रदेश सरकार द्वारा काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक तरफ से नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। सूबे के सीएम जयराम ठाकुर ने वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने को लेकर एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक पर सभी सरकारी कर्मचारियों की निगाहें टिकी थी। करीब 12 बजे शुरू हुई यह बैठक 2 से 2.5 घंटे तक चली। इस बैठक में वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने के अलावा पुलिस कर्मचारियों के पे बैंड पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में सूबे के सभी बड़े अधिकारियों के अलावा कर्मचारी नेता भी शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण फैसला नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि बैठक में अधिकांश मांगों पर आम सहमति बना ली गई है। वहीं वेतनमान को लेकर जो तीसरा ऑप्शन मांगा जा रहा था, उस पर भी सहमति बनने की खबर है। बताया जा रहा है कि अब कुछ दिन बाद इस पर अंतिम निर्णय भी सरकार द्वारा ले लिया जाएगा। बैठक में सीएम ने सभी मांगों को गौर से सुना और उसे सही ढंग से सुलझाने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही पुलिस पे बैंड की मांग को भी सुलझाने का आश्वासन सीएम ने दिया है। हालांकि इस फैसले पर अंतिम निर्णय कब आएगा, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी बनाई हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।